दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसकी तारीख की घोषणा हो गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में तमाम लोग इस स्थिति में होते हैं कि जो दूसरे राज्य से यहां शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उनकी वोटर आईडी पर उनके मूल घर का पता लिखा हुआ है। अगर आप दिल्ली में ही बस गए हैं और यहाँ के वोटर बनना चाहते हैं तो आपको वोटर आईडी पर यहाँ का पता लिखवाना होगा। इस काम को वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ NVSP की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी किया जा सकता है। जी हाँ, बता दें आपको कि अपना पता बदलवाने के लिए आपको उम्र और एड्रेस का प्रूफ चाहिए होगा। उम्र के प्रूफ के लिए 5वीं या 8वीं या 10वीं का मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप रेंट एग्रीमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, पानी, टेलीफोन या बिजली का बिल यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस बदलवाने के लिए आप ऐसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बता दें आपको कि NVSP की वेबसाइट यानी www.nvsp.in पर जाएं और फॉर्म्स पर क्लिक करें। NVSP वेबसाइट पर रजिस्टर करके लॉगिन आईडी क्रिएट करें। अब आपको एड्रेस चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करना होगा, जिसके लिए आपको पुराने वोटर आईडी और एपिक नंबर की जरूरत पड़ेगी। यहां आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और आपको OTP आएगी। OTP को वेरीफाई करने के बाद वोटर आईडी पर अंकित EPIC नंबर एंटर करें। एक यूजर के लिए केवल एक ही EPIC नंबर जनरेट होता है। अब ईमेल एड्रेस को ऐड करके पासवर्ड क्रिएट करें। इसके साथ ही अब EPIC नंबर पासवर्ड का प्रयोग करके साइन इन करें। साइन इन करने के बाद फॉर्म्स पर क्लिक करें। फॉर्म संख्या 6 पर क्लिक करें। फॉर्म 6 को पहली बार वोटर के रूप में रजिस्टर करने पर या अपना विधानसभा क्षेत्र बदलने के लिए किया जाता है। आप फॉर्म को हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषा में भर सकते हैं। अब उस जगह को चुनें जहां आप रहे हैं और वोट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको विधानसभा क्षेत्र का विवरण देना होगा। अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी दें। अब वर्तमान और पुराना पता दें। अपना पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ की इमेज व उम्र का प्रूफ अपलोड करें। डिक्लेरेशन डिटेल को भरें। अब जगह का नाम और कैप्चा भरकर पेज के नीचे सबमिट बटन दबाएं। नेक्स्ट 9 टेक से श्रुति की रिपोर्ट।